दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है उसके अंदर पांच प्रकार के लोग आवेदन कर सकते हैं। एक तो है जो खाद्य सुरक्षाधारी परिवार है, एक सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के परिवार है, तीसरा दोस्तों संविदा कर्मी है, और चौथे हैं लघु व सीमांत किसान, और अंत में जो इन चारों कैटेगरी में नहीं आते वो 850 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करके आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लघु व सीमांत किसान कोई बनता है तो उसका आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है यही जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखें जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वह जानकारी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम आवेदन करें उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो SMF सर्विस के माध्यम से होगा। SMF सर्विस का जो सर्विस है वो लघु व सीमांत किसानों के रजिस्ट्रेशन के काम आती है। तो इसके लिए दोस्तों आपने ई-मित्र कियोस्क पे एक SMF की सर्विस पहले लाइव थी, आपने देखा होगा, जिसके तहत हम PM किसान सम्मान निधि योजना के ऑनलाइन आवेदन करते थे। तो उस समय बहुत सारे किसानों ने आवेदन किए थे और इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया था। तो जैसे ही लोगों ने इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया तो डेटा सरकार के पास चला गया। तो अब दोस्तों जिन जिन लोगों का डेटा SMF पोर्टल पे रजिस्टर्ड है उन सभी को यहाँ पे आवेदन करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, उनको मात्र पॉलिसी प्रिंट करके देनी है क्योंकि डेटा पहले से सरकार के पास मौजूद है, सरकार ने पॉलिसी पहले से ही उनकी जनरेट कर ली है। अब जैसे ही उनका आवेदन करने जाएंगे SMF ऑप्शन का चयन करके तो ऑलरेडी पॉलिसी प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मात्र पॉलिसी प्रिंट करके देनी है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट, ऐसे लोग जो SMF पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है उनका क्या करना है? तो उनका आपको एक नया आवेदन करके SMF पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो SMF पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा वो जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा। एक बार आप SMF पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं एक बार और एक जानकारी दे देता हूं कि मान लो कि किसी ने पहले से ही SMF पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है लेकिन आवेदन करते वक्त उसका डेटा शो नहीं हो रहा, उसकी पॉलिसी शो नहीं हो रही है, तो उस मामलों में भी आवेदन करना होगा। तो दोस्तों आवेदन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। डॉक्यूमेंट के अंदर आप या तो जन आधार कार्ड लगा सकते हैं या फिर जन आधार कार्ड की रसीद संख्या भी लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जमाबंदी की नकल लगेगी। अगर नया आवेदन करना है SMF पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके तो जमाबंदी की नकल भी ऑनलाइन अपलोड भी करनी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट है जो SMF जो योजना के बेनिफिशियरी है उनके लिए, यानी कि लघु व सीमांत किसान का कोई भी बंदा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में आवेदन करना चाहता है तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लेके ई-मित्र कियोस्क पे कोई भी बंदा आएगा तो उसका आवेदन किस प्रकार से आप करेंगे ये जानकारी भी एक बार मैं आपको दे देता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों सबसे पहले ई-मित्र कियोस्क पोर्टल पे लॉगिन हो जाने के बाद यूटिलिटी सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यूटिलिटी के अंदर आपको सर्च करना है एप्लीकेशन फॉर द मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। जैसे ही यहाँ पे टाइप करेंगे एप्लीकेशन फॉर मुख्यमंत्री तो यहाँ पे दोस्तों सर्विस दिखाई देने लग जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं ये सर्विस है तो इस सर्विस का आप चयन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों ओके बटन दबाएंगे। जैसे ही ओके बटन दबाएंगे तो दोस्तों आप चिरंजीवी के पोर्टल पर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हैं कैटेगरी। अगर आपको फ्री वाला आवेदन करना है तो फ्री लेना होता है, तो जो मैं आज हम जो लघु व सीमांत किसान का आवेदन करना बता रहे हैं वह फ्री वाले के अंदर का जाता है तो हम फ्री वाला लेंगे। इसके अलावा दोस्तों कोई बंदा फ्री में एलिजिबल नहीं होता तो उनके लिए अदर व पेड ऑप्शन में जाके आवेदन करते हैं। तो पेड के अंदर किसके आवेदन करते हैं? जो फ्री वाली चारों योजनाओं में एलिजिबल नहीं होता तो उनका पेड वाले ऑप्शन में जाके आवेदन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ जैसे फ्री लेंगे तो SMF और दोस्तों ये सेकंड वाला ऑप्शन ये दोनों ओपन हो जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों अगर पेड लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों पेड लेने के बाद अदर पेड लेके यहाँ पे फॉर्म भरा जाता है जो 850 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करके भरते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है कि कोई फ्री योजना में एलिजिबल नहीं है तो 850 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करके आवेदन किस प्रकार से करेंगे तो ये वाला वीडियो है, तो इस वीडियो को देख ले। कंप्लीट डिटेल में इसी वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा। दोस्तों अब हम लघु व सीमांत किसान का जो फ्री वाला आवेदन है तो उसके लिए हम फ्री पे जाएंगे, फिर SMF पे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों जन आधार कार्ड आईडी या फिर जन आधार कार्ड की जो रसीद संख्या की आईडी होती है उस दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन का चयन करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हमने जन आधार कार्ड आईडी का चयन किया है तो जन आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज करेंगे। सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे, इसकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पे सबसे पहले जब आप सर्च करेंगे तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड बताएगा, वापस करेंगे दोस्तों जन आधार कार्ड ऑलरेडी अंडर पॉलिसी। रीजन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? SMF फैमिली, यानी कि जो जन आधार कार्ड है पहले से ही पॉलिसी के अंदर कवर हो चुका है, आवेदन की जरूरत नहीं है, ये SMF फैमिली के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है तो इसका आवेदन नहीं करके आपको क्या करना वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके आवेदन की जरूरत नहीं है अलग से। दोस्तों यहाँ पर ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे दोस्तों इस पर देख सकते हैं यहाँ पे NA लिखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे NA पे SMF नहीं है लेकिन दोस्तों ईच SMF यहाँ पे नीचे ऑप्शन है
यहाँ पे यस किया हुआ है दोस्तों देख सकते हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जब सबसे नीचे आ जाएंगे तो पे फॉर द प्रिंट का ऑप्शन है और प्रिंट पॉलिसी का ऑप्शन है। तो दोस्तों पे फॉर द यहाँ पे देख सकते हैं ये यस किया हुआ है, दोस्तों देख सकते हैं यस है, यानी कि ये NFS जो SMF सर्विस के अंदर है। तो यहाँ पे पे क्लिक करेंगे तो टोकन नहीं कटेगा क्योंकि इसके पहले से ही पॉलिसी जनरेट हो चुकी है। तो डायरेक्टली आपको प्रिंट पे क्लिक करना है और इसकी जो पॉलिसी है वो प्रिंट हो जाएगी, जो पहले से SMF के अंदर रजिस्टर्ड है उनके ये काम होगा। यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट आउट पे क्लिक करेंगे और इसकी प्रिंट आउट यहाँ से निकल जाएगी। ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जिसके पहले से रजिस्ट्रेशन है और वो SMF के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों कोई ऐसा किसान है लघु व सीमांत किसान, उसका ऑलरेडी इस प्रकार की एरर भी आ सकती है। मान लो हो सकता है कि जो इसका आप आवेदन कर रहे हैं वो SMF के अंदर भी हैं और NFSA के अंदर भी हैं, यानी कि वो लघु व सीमांत किसान भी हैं और खाद्य सुरक्षा योजना का बेनिफिशियरी भी है, तो उसके इस प्रकार से लिखा हुआ आ सकता है यूजर इज ऑलरेडी सीडेड। और इसके अंदर जब ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे तो दोस्तों देख सकते हैं ये NFSA के अंदर शामिल है। यहाँ पे देख सकते हैं बेनिफिशियरी टाइप NFSA लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसकी वजह से इसके भी आवेदन की जरूरत नहीं है, इसकी भी डायरेक्टली आप प्रिंट स्लिप पे क्लिक करके कि इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप टोकन भी नहीं कटेगा और इसकी प्रिंट स्लिप पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट में कुछ गड़बड़ चली तो यहाँ से आपको प्रिंट नहीं करनी है। जो NFSA में है, जो मैंने आप पहले बताया SMF वाले, उनकी प्रिंट करके दे सकते हैं, लेकिन इसकी प्रिंट आप नहीं निकाल सकते क्योंकि फैमिली के सदस्य यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। दोस्तों ये तो हो गया जो NFSA में है या फिर जो कि SMF के अंदर पहले से रजिस्टर्ड है। अब ऐसे किसान जिसका लघु व सीमांत किसान के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा, उनके आवेदन के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो नया फ्रेश आवेदन करने के लिए फ्री SMS ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जन आधार कार्ड ID या फिर जन आधार कार्ड रसीद संख्या में से कोई भी एक डालना है, तो मैं यहाँ पे रसीद संख्या डाल देता हूँ। रसीद संख्या डालने के बाद दोस्तों सर्च बेनिफिशियरी पे हमें क्लिक करना होगा और इसकी कंप्लीट डिटेल स्क्रीन पे ऊपर दिखाई देने लग जाएगी। तो ये मैंने डाल दिया है। अब मैं दोस्तों सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। ये दोस्तों देख सकते हैं e-sign सेल्फ डिक्लेरेशन टू प्रोसेस इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसका ही आपको आवेदन करना है। तो आगे वाला ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं NFSA में NA लिखा हुआ है, ईच SMF में कोई भी रिमार्क नहीं है, ना यस है ना नो है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो इसका आपको आवेदन करना है। दोस्तों आवेदन के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले जो सदस्य आपके लिए आवेदन करवाना है, जो किसान है, उसके e-sign पे क्लिक करना है, फिर e-sign सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, उसका फिंगरप्रिंट कैप्चर करना है। जैसे ही फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएगा तो अगले वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो हम कैप्चर करते हैं, कैप्चर सक्सेसफुली हो गया है। अब आगे वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी दोस्तों आगे वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर द पॉलिसी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों SMF सर्विस की डिटेल ओपन हो जाएगी। तो आपके जो किसान है उसके डिटेल का चयन करना है, उसका कौन से डिस्ट्रिक्ट में जमीन आई हुई है, कौन सी तहसील के अंदर आई हुई है, उसके पटवारा ILR क्या लगता है, वो एक एक करके आपको ले लेनी है। मैंने पाली ले लिया, ये तहसील ले ली, यहाँ पे पटवार सर्कल कौन सा लगता है, जहाँ पे जमीन आई हुई है जो लघु व सीमांत किसान है वो आप ले लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों खाता नंबर डाल देंगे कि खाता संख्या उसकी कितनी है सर्च करके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आपने लिया यहाँ पे खाता संख्या डाली, सर्च करेंगे डिटेल आ जाएगी, डिटेल का चयन करेंगे तो ये डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। एक बार डिटेल फिलअप होगी उसके बाद दोस्तों स्विच फाइल में जाके आपको जमाबंदी की नकल भी अपलोड करनी होगी। जैसे दोस्तों यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, आपने जमाबंदी की नकल अपलोड कर लेंगे, उसके बाद सेव लैंड डिटेल पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही सेव लैंड डिटेल पे क्लिक करेंगे कंप्लीट डिटेल फिलअप करने के बाद, उसके बाद दोस्तों ओके का ऑप्शन आएगा, ओके दबाएंगे, उसके बाद कंफर्मेशन का ऑप्शन आएगा, फिर आप इस ओके करेंगे और लास्ट में जब कंफर्मेशन करके ओके करेंगे तो ये SMF वाला काम कंप्लीट हो जाएगा और SMF के तहत किसान का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर आपको वापस ये वाला ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों पे फॉर प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका 20 रुपये का टोकन कट जाएगा और उसके बाद प्रिंट पॉलिसी पे क्लिक करके आप पॉलिसी जो किसान आपके पास आवेदन करवाने आए हैं उसको प्रिंट करके दे देंगे और आपका आवेदन हो जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका था मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंदर लघु व सीमांत किसान के आवेदन करने का। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, इससे ऐसे ही और वीडियो आपको मिल सके। इसके अलावा दोस्तों इसी योजना के अलग अलग कैटेगरियों के आवेदन के वीडियो भी बने हुए हैं। इसके अलावा योजना क्या है उसका वीडियो भी बना हुआ है, तो उन सभी वीडियो के लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए दमदार वीडियो के साथ।